अधिकारी हो, अच्छे से पुलिसमैन हो, अच्छे जज हो और अच्छे वकील हो। मैं कहूंगी सिविल सर्विस में जाएं और डिप्टी कलेक्टर डीएम जिस पोस्ट तक पहुंचना चाहते हैं जरूर पहुंचे। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में पढ़ाई इतनी महंगी नहीं है, हर गरीब मजदूर पढ़ सकता है। जेएनयू की कोई फीस नहीं, वहां जाकर आप एक बार देखिए, आपको वहां से स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आप अच्छे कोर्स में जाएंगे। नजीब ने एडमिशन लिया जामिया में, वहां फीस जमा हुई, लेकिन जेएनयू में नजीब को स्कॉलरशिप मिल रही थी 5,000 रुपए महीना। उसने मुझसे कहा अम्मी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं अपना खर्चा खुद उठा सकता हूँ। तो मैं यही कहूंगी, नजीब भी एक गरीब घर से आता था, वो एक कारपेंटर का बेटा है और उसने भी ये हिम्मत की कि वो जेएनयू पहुंचे। आप लोग भी इन तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पहुंचिए, जहाँ जो भी यूनिवर्सिटी आपके करीब है आप वहां से आला तालीम हासिल करिए, अपने माँ बाप का, खानदान का, स्टेट का और देश का नाम रोशन करिए। हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई कितना भी चाहे कि हम रुक जाएंगे, चाहे वो रोहित वेमुला को फांसी के लिए मजबूर करें, नजीब को मारपीट के जख्मी हालत में गायब करें, ये उनकी नाकाम कोशिश है। वो इस कोशिश में नाकाम हो चुके हैं, तमाम यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट जाग गया है, मैं समझती हूँ सड़क पे रहने वाले बच्चे भी जाग गए हैं, उनके अंदर भी एक शौक पैदा होगा कि हम भी पढ़ें और आगे बढ़ें। यही हमारी मजबूती होगी, यही आने वाले वक्त के हमारे हुक्मरान होंगे। जैसे कि अभी कहा भाई ने कि जेएनयू से आवाज उठती है, हमेशा उठी है, आगे भी उठती रहेगी। जेएनयू की वो टीम जो आज मेरे साथ खड़ी है, उसी की वजह से और एसआईयू की वजह से मैं आज लड़ पा रही हूँ। वैसे तो तमाम हिंदुस्तान मेरे साथ है, तमाम यूनिवर्सिटीज जो पूरे हिंदुस्तान की है और वो लोग जो इंसाफ पसंद, अमन पसंद लोग हैं, जो इंसानियत को मानते और जानते हैं, उस पर अमल करते हैं, वो हिंदुस्तान के हजारों लाखों लोग एक माँ के साथ खड़े हैं। इसीलिए आज मैं इतनी मजबूती के साथ पूरे देश में घूम रही हूँ कि मैं जगाऊं अपने कौम के बच्चों को, अपने उन गरीब गुरबा बच्चों को बताऊं कि मैं भी एक गरीब हूँ और मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने की अपने आप को पूरी तरह से लगा दिया। मेरे बच्चे, चार बच्चे हैं माशाल्लाह, चारों हाई एजुकेशन लिए हुए हैं, छोटी बेटी है और उसकी पढ़ाई जारी है। तो मैं यही कहूंगी कि नफरत फैलाने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। आप तमाम लोग अपने आप को पूरी तरह से मेहनत करें, अपने माँ बाप का सहारा भी बने और अपने आप को आगे ले जाएं, ताकि आपके बच्चे ये दिन ना देखें जो आपने देखे हैं। आप यहाँ यूपी हो या ये बंगाल हो, गरीबी ज्यादा है, हालात खराब है, कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, गरीबी हमेशा नहीं रहती, बहुत जल्द सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जब आप पढ़ने लिखने लगेंगे आपको मालूम होगा हम किस किस तरह से ईमानदारी से हलाल कमाई कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है, वो जब आप कोशिश करेंगे वो आप तक रिस्क जरूर पहुंच जाएगा। और रही बात कि मैं यहाँ हूँ तो बस मैं, मेरी मजबूरी, मेरी एक चाहत है, मेरी एक आस है जो मुझे बार बार खड़ा होने पे मजबूर करती है कि मेरा बच्चा जो नजीब इस तरह से उन्होंने मारा पीटा और उसको झूठे इल्जाम लगा के गायब कर दिया, उस जख्मी हालत में पुलिस ने भी मेरा साथ नहीं दिया, पुलिस ने मुझे मिसगाइड किया और कहा कि हम आपका बच्चा आपको 24 घंटे में देखें और बहाना करके मुझे नाम नहीं लिखने दिए। सबसे बड़ी कमी मेरी यही पर हुई, काश कि मैं पढ़ी लिखी होती, मेरे साथ ही मसला ना होता कि मेरा बच्चा, उन्हें बहाना किया था कि बच्चा उनके पास है और उन्हें 24 घंटे में देना है, मैंने उनके नाम नहीं लिखे। कभी भी कोई भूल ना करना इस तरह की, FIR लिखने जाए कोई भी तो पहले नाम लिखे, बाद में कुछ और बात करे। उन्होंने मेरी इस मजबूरी का, मेरी मोहब्बत का फायदा उठा के मेरे बच्चे को गायब करने में अब तक कामयाब है। मैं उम्मीद करती हूँ ये मोदी हुकूमत जो नफरत फैलाने वाली है, जाने कितनी माओ की इसने कोख उजाड़ी है, जाने कितनी सुहागरों के सुहाग छीने हैं, जाने कितने मासूमों को यतीम किया है, कितनी बेटियों को बर्बाद किया है, मैं बार बार ये कहूंगी इन लोगों की हाय इसको चैन से बैठने नहीं देगी। ये बहुत जल्द इस दिल्ली से हमारे मुल्क से नेस्तराबूद हो जाएगा, इसको अब तो गुजरात भी नहीं भूलेगा, वहां भी लोग जाग गए हैं और बहुत जल्द इसका सफाया हो जाएगा। 2019 हमारे लिए एक खुशियों का पैगाम लेकर आया है और इसमें ये मोदी जाएगा और हमारा देश में उस जो अच्छे दिन लाने का वादा करके हमें धोखा दिया गया था, जुमलेबाजी की गई थी, वो अच्छे दिन हमें वापस मिलेंगे और इंशाल्लाह आने वाली जो हमारी सरकार होगी वो भी ये जान जाएगी कि ये यूथ इतना मजबूत है, किसी भी हुकूमत को पलट सकता है, किसी को भी दोबारा वापस कर सकता है, तो वो भी अच्छे से काम करेगी। मैं इतना ही कहूंगी, आप तमाम लोग आला से आला तालीम हासिल करें और किसी के बहकावे में ना आए जब तक अपनी आंखों से किसी को
जुल्म करते हुए किसी के साथ कुछ गलत होते हुए देखे, हमेशा उसका साथ दे और किसी की बातों में ना कर अपनी आंख से देखने पर यकीन करें, अपने कानों से सुन पर यकीन करें और अपने माँ बाप का, अपने तमाम लोगों का बहुत ध्यान रखें। बस मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाने में लग गई थी। मैं आप लोगों को यही कहने आई हूँ कि आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़े। SIU कोई प्रॉब्लम हो तो SIU के लोग आपके साथ आएंगे, वो लोग बहुत मुखलिस लोग हैं। अगर कोई फीस जमा नहीं कर पाता है तो वो लोग उसकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। मैंने देखा है ये दो सालों में घूम घूम कर। अगर किसी को कोई मसला है तो SIU में आए, कॉन्टेक्ट करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और जो भी कुछ ये हुकूमत कर रही है, ये सिर्फ हमें डराने और धमकाने के लिए कर रही है, वो कामयाब नहीं हुई है। देख रहे हैं आप, एक माँ लगातार 2 साल 3 महीने से सड़क पर है, वो नहीं थकी, नहीं डरी, ना ही उसके अंदर कोई डर डर है। उसके अंदर एक आस है, एक उम्मीद है जो उसे मजबूती से खड़ा करती है कि उसका बेटा जहाँ कहीं भी है अल्लाह की पनाह में है, खैरियत से है और इंशाल्लाह जरूर लौटेगा। मैं बार बार यही कहती हूँ, मेरी उम्मीद, मेरा भरोसा अल्लाह ताला जरूर पूरा करेगा। वो ऊपर वाला जब कोई उस पर भरोसा करता है उसे मायूस नहीं करता, उसको पूरा करता है, यकीनन वो जरूर पूरा करेगा। मेरा यकीन है मेरे मालिक पर, वो जरूर और जरूर मेरे बेटे को मुझसे मिलाएगा। वो जहाँ कहीं भी होगा उसकी पनाह में होगा। मैं इतना ही कहूंगी और इसके बाद आप तमाम लोगों का शुक्रिया कहूंगी कि आप सब लोग यहाँ आए और मुझे सुना और मेरी बातों पर गौर कीजिएगा जो मैंने कहा है। मैं सिर्फ आप बच्चों के लिए आई हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़े और बहुत आगे बढ़े, अपने माँ बाप के ख्वाबों को, अपने देश को एक नाम दें, ऊंचाई तक ले जाएं। अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो एक आप अच्छी जिंदगी भी जिएंगे और हमारे देश की नस्लें, आने वाली नस्लें बहुत कामयाब और खुश और खुर्रम रहेंगी। शुक्रिया। আপনার পণ্যকে সুরক্ষিত ও যত্ন সহকারে সঠিক ঠিকানায় পৌঁছে দিতে সদা তৎপর বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য ইন্টারন্যাশনাল কার্গো এজেন্ট ওয়েলকাম এয়ার এক্সপ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড। যে কোনো পণ্য এয়ার বা শিপের মাধ্যমে ইম্পোর্ট বা এক্সপোর্ট করতে হলে আমাদের কাছেই পাবেন ন্যায্য ডেলিভারি চার্জ। তাই আর চিন্তা ভাবনা না করে আপনার পণ্যকে ঠিক সময়ে যত্ন সহকারে নিরাপদে সঠিক ঠিকানায় পৌঁছে দিতে আজই যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে। আমাদের ঠিকানা ওয়েলকাম এয়ার এক্সপ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, 7/1B তিলজলা রোড, কলকাতা 700046, নেয়ার পার্ক সার্কাস ময়দান। ফোন 0334062-8511, মোবাইল 7044-8455। আমাদের ইমেল আইডি হল welcomeyarexpress13@yahoo.co.in, ওয়েবসাইট www.welcomeyarexpress.com।